प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मौसम में परिवर्तन के कारण ओले गिरने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है। करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे हैं। ओले से चने और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ठंड के सीजन में जब फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी किसानों के खेतों में, गेहूं, चना, सरसों, अरहर, धान, लेकिन 3-4 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में, जिसमें राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और बाकी जगह भी, करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे, तेज हवा के साथ बारिश के कारण फसल आड़ी हो गई, दुपट हो गई और ओले से पूरी चने की और गेहूं की फसल और बाकी फसलें भी पूरी तरह से कई जगह नष्ट हुई हैं। ये किसानों के ऊपर जिस प्रकार कोरोना का संकट 100 साल में नहीं आया ऐसा, ये ओले भी इतनी बड़ी क्षेत्र में कभी नहीं गिरे जितने इस बार गिरे हैं और इसलिए बहुत बड़ा संकट आया है किसानों का। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। केंद्र में और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी किसानों के साथ इस संकट में खड़े हैं। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये आपका संकट नहीं, हमारा संकट है और इसलिए पूरा संकट हम अपने ऊपर ले रहे हैं। और सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया, सभी DDA उपसंचालकों को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे करें, वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, पंचनामा बनाएं, जिस किसान के खेत में, किसान गांव में कहता है मेरे खेत में नुकसान हुआ, वहां जाएं और वहीं से वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए, एक कापी किसान को दें, 5 लोगों के हस्ताक्षर करा के एक कापी अपने पास रखें ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। बीमा कंपनी के भी, मैं कल हरदा गया था दौरे पे, तो बीमा के कलेक्टर और DDA तीनों को लेकर गया था साथ में और 72 घंटे के अंदर अधिसूचित कर देते हैं तो बीमा कंपनी 25% राशि तत्काल हम राहत दिला देंगे और 75% राशि जो बचेगी वो जब फसल कटाई प्रयोग होगा उस समय उनको दिया जाएगा। और इस प्रकार एक एक किसान का जो क्षति हुई है उसको हम बीमा जिनका हुआ है 100% उनको उपलब्ध कराएंगे और जिनका बीमा नहीं है उनको RBC 6-4 में देंगे ताकि किसान की क्षति की पूर्ति करके कर सकें, ताकि जो नुकसान हुआ है वो किसान का ना हो, सरकार उसको वहन करे। भाई 2 दिन में आपको देना ही पड़ेगा? नहीं, 2 दिन में नहीं। देखिए मेरे पास फसल खराब होती, मैं किसान हूँ, मेरी फसल खराब नहीं भी होती मान लो ये, तो फसल कब आती? फरवरी मार्च में। चने की फसल आ जाती फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट में, गेहूं की फसल आती तभी तो मेरे को पैसा मिलता ना। और इसलिए हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे, 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे और फसल आती तभी मिलता ना, उसके पहले हम पूरी राशि दिला देंगे। और एक एक किसान को मैं विश्वास दिला रहा हूँ कृषि मंत्री के नाते, एक एक किसान को जहाँ भी शिकायत देगा वो कि मेरे खेत में नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ है वीडियोग्राफी कराकर उसके सामने उसके खुद के हस्ताक्षर होंगे ताकि वो संतुष्ट रहे, नजर या आकलन कि कितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार उसको बीमा मिलेगा। राहत राशि नहीं होती, बीमा में क्षति की पूर्ति होती है। राहत राशि दी थी उसकी 3 किस्तें बनाई थी तो अभी 2 किस्तें दी है, तीसरी किस्त बाकी है। देखिए जब से फसल RBC 6-4 तब थी, आजादी के समय बाबा आदम के जमाने शुरू हुआ था, 40 रुपए 80 रुपए मिलते थे, 20 रुपए मिलते थे, ये तो हमने परिवर्तन किया जिसके कारण है। लेकिन अब किसान की क्षति की पूर्ति के लिए हमने फसल बीमा योजना लागू कर दी है और फसल बीमा में बताना चाहता हूँ, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो मैं दौरा करने गया था तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र के किसान से पूछो, गांव वालों को कहा मैंने कहा तुम्हारे बसा दिया मैंने और बीमा भी दिला दूंगा, बोले हमारा वन ग्राम में बीमा नहीं होता, वन ग्राम का बीमा इसलिए नहीं होता कि वन ग्राम में राजस्व ग्राम नहीं होता, पटवारी हल्का नहीं होता इसलिए उनका बीमा नहीं। वहीं मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि इसको पंचायत के उससे लिंक कर दो और हमने राजस्व ग्राम से लिंक कर उसका बीमा करा दिया और पायलट प्रोजेक्ट में लिया था। इस बार पूरे प्रदेश के वन ग्राम का भी बीमा हो गया, यानी
वनवासी बंधु, हमारे आदिवासी बंधु जो वनों में रहते हैं, वन भूमि पे उनके पट्टे हैं, उनकी फसल का भी हमने बीमा करा दिया, तो उनकी भी फसल का नुकसान का पूर्ति। देखिए सुप्रीम कोर्ट से दिलाएंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चल रही है। हर वर्ग के लिए हमने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा और सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया गरीबों को। कांग्रेस ने चुनाव ओबीसी को लाभ ना मिले इसलिए वो कोर्ट में गई, उन्हीं के कारण ओबीसी के बगैर चुनाव हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सीधा था कि बगैर ओबीसी के हम पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आए और कि ओबीसी के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे, जो अध्यादेश था उसको हमने वापस लिया और उसके कारण चुनाव निरस्त हुए और अब एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया था, पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्याय किया था, इनके कारण चुनाव टले। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट्स किए और अब जाकर कांग्रेस ने वो याचिका वापस ली। अगर उसी समय याचिका वापस लेते तो चुनाव अब तक हो चुके होते और इसलिए इसमें दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है और इसलिए ओबीसी विरोधी सिद्ध हो गई कांग्रेस की। ओबीसी का लाभ देना नहीं चाहती, सिर्फ राजनीति करती है और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़े वर्ग के मोर्चे के अध्यक्ष जो पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास में पिछड़े वर्ग के हक में जो उन्होंने निर्णय लिया, विधानसभा में संकल्प पारित कराया, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को अब न्याय मिलेगा, अब एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए उनका अभिनंदन किया गया। आज मुख्यमंत्री जी भी 3 बजे सभी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जगह सूचित किया। सबसे पहले राजगढ़ के कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर ही अधिसूचित कर दिया ताकि बीमा की राशि मिल सके, क्योंकि जो बीमा होता है पहले होता था तहसील इकाई थी, पूरी तहसील की फसल खराब होती तब तो बीमा मिलता था। उस समय में राजस्व मंत्री था और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। हमने देश में पहली बार, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ पटवारी हल्का इकाई कराई, पटवारी हल्के भी 11,622 थे, उसको बढ़ाकर हमने 23,000 किए पंचायत के हिसाब से। और इसमें अभी जो बीमा मिलता है, जो फसल कटाई होती है उसमें अगर आनावारी कम आती है तो फसल बीमा मिलता है, सभी किसानों को मिलता है, लेकिन पूरे पटवारी हल्के में ओले नहीं गिरे, ओले गिरे तो पट्टी में गिरे, किसी कुछ गाँव में गिरे, एक किसान के एक खेत में गिरे दूसरे में नहीं गिरे। और इसलिए अगर वो तहसील के हिसाब से पटवारी हल्के के हिसाब से आनावारी होती जो फसल कटाई प्रयोग, इनको लाभ नहीं मिल पाता अगर पूरा पटवारी हल्के की फसल खराब नहीं होती। और इसलिए हमने ये 72 घंटे के अंदर अधिसूचित करके, अगर एक गांव में पटवारी हल्के में 50 किसान को भी नुकसान हुआ है तो उनका आनावारी करके कर देंगे तो उनको राहत मिलेगी, अगर 10 का भी हुआ तो 10 को मिलेगी, एक का भी हुआ तो एक को भी मिलेगी, यानी जो कहते थे ना इंडिविजुअल खेत को इकाई को करके भी, तो इस योजना के तहत हमने निर्देशित किया और इसलिए 72 घंटे के अंदर हम अधिसूचित करा देंगे और बीमा कंपनी से किसानों को राहत दिलाएंगे। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस हमेशा बयानबाजी करती है, घरेलू आंसू बहाती है लेकिन किया नहीं। मैं कमलनाथ जी सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही है लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय आरबीसी 6-4 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ, 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपये 80 रुपये से ज़्यादा किसान को नहीं मिला आरबीसी 6-4 में। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मैं राजस्व मंत्री बना था 2005 में, पहली बार आज़ादी के बाद आरबीसी 6-4 में कोई संशोधन किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किया, जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते थे आरबीसी 6-4 में 5,000 करोड़ हर साल मिल रहे हैं। कांग्रेस के समय शासन में बीमा था ही नहीं, किसानों का फसल का बीमा ही नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फसल बीमा योजना लाए और देश में सबसे अधिक बीमा दिलाने का श्रेय भी मध्य प्रदेश को है। हमने पटवारी हल्का इकाई किया और इसलिए हमने 1,000 करोड़ बीमा दिया। कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने 18 का खरीफ का, रबी का, 19 का खरीफ का 1 रुपया बीमा नहीं दिया किसानों का, क्योंकि आपको प्रीमियम भरना पड़ता, आपने 1 रुपया प्रीमियम नहीं भरा और नाक जैसे कुंडली मार के बैठे हुए थे। वो तो भला हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और कांग्रेस के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में आए और सरकार बनाई और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 1 सप्ताह के अंदर हमने 2200 करोड़ जमा किया और किसानों को बीमा दिलाया। उस समय बीमा हुआ था स्वीकृत 3100 करोड़, लेकिन कमल सुविधा केंद्र हमने शुरू की, उसकी में शिकायतें आई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतें, हमने चार्ज कराई,
उस 3100 करोड़ को बीमा कंपनी से बढ़ाकर हमने 5600 करोड़ दिलाए, और 18 खरीफ रबी और 19 का बीमा 9286 करोड़ 2047,67,000 किसानों के खातों में डाले। बीमा कंपनी ने प्रीमियम जमा नहीं करा पाई थी क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था। 2 साल पुराना पोर्टल खुलवाया मैंने, यहाँ अधिकारियों की बैठक ली, मैंने कहा FIR कराऊंगा तुम्हारी अगर किसानों को बीमा नहीं दिया। सुनिए तो उनको हमने प्रीमियम जमा कराने के लिए पोर्टल खुलवाया फिर से, और पोर्टल खुलवाकर 3,86,000 किसानों को 300 करोड़ से अधिक राशि वो भी दिलाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।